नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक कांग्रेसियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, हर दिन नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम ने ट्विटर अकाउंट के जरिए गांधी परिवार की जितनी सेवा करनी है कीजिए, लेकिन अपनी गंदी राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ को बदनाम मत कीजिए। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश नहीं है, संभावनाओं का घर है, समृद्ध और अनोखी संस्कृति व विरासत है हमारी। दरअसल सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां उन्हें सोमवार को हिरासत में लिया गया था। वहीं मंगलवार को उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक घंटे तक सड़क पर रोक दिया था, जिसके बाद सीएम बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा था कि मैं अपने घर में इनसे पूछकर जाऊंगा, मैं अपने कार्यालय इनसे पूछकर जाऊंगा, मैं नक्सल प्रदेश से आता हूं, मुझे जेड प्लस सुरक्षा है, मुझसे कह दिया जाता है कि सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी लेकर जाएंगे, मुझे बीच सड़क पर एक घंटे तक रोक दिया जाता है।